हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ऑल द ग्राफ्स ऑफ एन सी आर टी ऑफ क्लास इलेवेंथ हम लोग जितने भी एन सी आर टी में ग्राफ्स दिए हुए हैं क्लास इलेवेंथ वाले एन सी आर टी में वो सारे कवर करेंगे तो हम लोग मोशन ना स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे तो ये पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ है अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये होता है और अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होता है तो मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कांस्टेंट आता है फिर हम लोग देखेंगे कि अगर वो पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आता है और अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आता है अब ये कैसे पता चला हम लोगों को कि वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है फिर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो ये ग्राफ एनसीआरटी में ही रिपीट किया था फिर अब हम लोग देखेंगे कि अगर वेलोसिटी ऐसी दी गई हो तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और अगर वेलोसिटी ऐसी दी गई हो तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है और एक्सेलरेशन को हम लोग डी वी बाई डी टी लिखते हैं तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन बताता है तो इसका स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए इसका डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा फिर ये नेक्स्ट ये वाला ग्राफ है और इसमें क्या है कि डायरेक्शन भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है क्योंकि ये ग्राफ ही पूरा नेगेटिव एक्सेस में बना हुआ है फिर ये वाला ग्राफ है तो यहाँ पे ये ये जो टाइम है इस टाइम पे डायरेक्शन चेंज होगा और इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा फिर अब हम लोग देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो रहा है तो क्या होगा तो अगर ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि अगर फ्री फॉल होता है तो एक्सेलेशन की वैल्यू जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कॉन्स्टेंट रहती है फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये वाला होगा और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा फिर अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा और अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ग्राफ ये है और ये ये वाला टाइम वो टाइम है जहाँ पे वो दोनों मीट करेंगे इस वाली जगह पे और फिर अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा डिस्टेंस और टाइम को और यहाँ पे वो दोनों ऑब्जेक्ट मीट करेंगे फिर और कानामेटिक्स में इतने ही ग्राफ्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में अब हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर के ग्राफ्स देखेंगे तो वर्क एनर्जी एंड पावर में पहला तो इलस्ट्रेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स वाला ग्राफ है तो इलस्ट्रेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स में एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला ये वाला फोर्स आता है तो और ये जो एरिया है ये एरिया वर्क डन बताता है और ये एरिया नेगेटिव है माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू तो जो एफ एक्स ग्राफ का एरिया होता है वो डन बताता है तो हम लोग एरिया को डन से भी डिनोट कर सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू ये स्प्रिंग फोर्स का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है फिर उसके बाद एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है तो ये वाला जो ग्राफ है जिस जो ऊपर की तरफ पैराबोला है वो पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करता है और जो नीचे वाला पैराबोला है वो काइनेटिक एनर्जी डिनोट करता है और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है जो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फिर हम लोग रोटेशनल मोशन में चलेंगे तो यहाँ पे एक ही ग्राफ दिया हुआ है ये सेंटर ऑफ मोशन आ, सेंटर ऑफ मास के पाथ का ग्राफ है अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है और यहाँ पे उसका कोलिजन हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स होंगे और वो सब बहुत सारे डायरेक्शन में जाएंगे लेकिन जो उसके सेंटर ऑफ मास का पाथ होगा वो प्रोजेक्टाइल ही फॉलो करेगा और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट uh, चैप्टर की तरफ और वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में सबसे पहले तो ओटा का ग्राफ दिया हुआ है ओटा इलास्टिक टिश्यू वैसे लाइ हम लोगों के बॉडी में जो हार्ट से ब्लड कैरी करती है डिफरेंट पार्ट में तो एन में इसका ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का और ये ग्राफ ऐसा है कुछ और फिर ये वाला ग्राफ दिया हुआ है मेटल का स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ तो यहाँ तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट है और यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब हुक्स लॉ फॉलो करते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो स्ट्रेन फिर ये बी ईल्ड पॉइंट है और ये सी सी पॉइंट तक हम लोग इसको परमानेंट सेट कह सकते हैं मतलब सी तक अगर ये डिफॉर्म होगा तो ये वापस से अपनी सेप रीगेन कर सकता है फिर अगर हम लोग और इसको स्ट्रेच करते हैं तो एक ई e पॉइंट आता है जो इसका फ्रैक्चर पॉइंट होता है नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में सबसे पहले तो फॉरन हाइट वर्सेज डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ दिया हुआ है तो ये देखेंगे हम लोग कि फ़ॉरन हाइट का जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो थर्टी टू होता है और जो हाइएस्ट टेम्परेचर होता है वो दो सौ बारह होता है और डिग्री सेंटीग्रेड का जीरो से हंड्रेड तक वेरी करता है या यह तो यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू हंड्रेड आएगी और यहाँ हम लोग डेल्टा टी करेंगे तो 212 सौ बारह माइनस थर्टी करेंगे जो 180 आएगा फिर उसके बाद ये दिया हुआ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर कोई लो डेंसिटी की गैस है और उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा गया है तो वो ग्राफ हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा फिर यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में और ये ग्राफ है कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम लोग गामा कह सकते हैं या फिर थ्री अल्फा ठीक है ऑफ कॉपर तो ये याद रखना है कि ये कॉपर का ग्राफ है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर के लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ तो वाटर के लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि फोर डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम हो जाता है फिर हम लोग यही डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में देखेंगे तो देखेंगे कि फोर डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है तो इन दोनों को मिला के हम लोग ये कहते हैं एनमल्स प्रॉपर्टी ऑफ वाटर तो होन होना ये चाहिए कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर का वॉल्यूम को इंक्रीज़ होना चाहिए पर टेम्परेचर बढ़ता है तो फोर डिग्री तक तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो इसलिए हम लोगों को वाटर का मिनिमम वॉल्यूम फोर डिग्री पे, पे मिलता है और उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और डेंसिटी कम होनी चाहिए लेकिन फोर डिग्री तक डेंसिटी बढ़ती है और उसके बाद वो इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है सॉरी फिर नेक्स्ट जो ग्राफ है ये टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ है अगर मान लो कोई आइस है और वो जीरो से कम डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो पहले हम लोग उसको हीट करेंगे तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 फिर जीरो पे जाएगा फिर जीरो डिग्री का जो आइस है वो ज़ीरो डिग्री वाटर पे चेंज होगा तो जब ज़ीरो डिग्री आइस जीरो डिग्री वाटर पे चेंज होगा तो वो फेस चेंज होगा और वहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज होगा टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ उसका उसका फेस चेंज होगा मतलब वो हीट लेगा लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं फिर अगर जीरो डिग्री का वाटर हो गया फिर वो जीरो डिग्री का वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के हंड्रेड डिग्री वाटर पे जाएगा फिर हंड्रेड डिग्री का जो वाटर है वो हंड्रेड डिग्री स्टीम पर जाएगा तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा पर फिर भी वो हीट लेगा और इस छुपी हुई हीट को जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं फिर अब जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ का ये थर्मोडाइनमिक्स में दिया है और ये इसका ग्राफ वेवलेंथ के साथ बनाया गया है तो इसमें हम लोगों को एक तो लैम्प फिलामेंट का ग्राफ दिया हुआ है फिर ये ये वाला जो ग्राफ है इतना मैं शेड कर दे रही हूँ इसे ये ये विजिबल लाइट, का, दिया हुआ। ये लाइट का, ग्राफ है, ये का ग्राफ दिया हुआ है ये विजिबल लाइट का ग्राफ है ये सनलाइट का ग्राफ दिया हुआ है रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ में इसका टेम्परेचर 6000 हजार केलविन है और ये आर्क का दिया हुआ है तो ये बेसिकली याद करने वाली चीज़ है कि ये सनलाइट का ग्राफ है ये आर्क का है ये लैम्प फिलाेंट का और ये शेडेड पोर्शन जो है वो विजिबल लाइट का है फिर अगर हम लोग हॉट वाटर को कूल करेंगे तो ग्राफ डेल्टा टी वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा आएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो ग्राफ दिया है लॉग टी टू माइनस टी वन और टाइम का तो यहाँ पे टी टू सोर्स का टेम्परेचर है और टी वन सिंक का टेम्परेचर है तो लॉग टी टू माइनस टी वन वर्सेज़ टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो ग्राफ है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा और सबसे मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा दिया हुआ है एन में फिर हम लोग ये आइडियल गैस वाला और रियल गैस वाला का ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा और यहाँ पे देखो ऐसे देख देख के पता चल रहा है कि जब टे, टेम्परेचर बढ़ता है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरफ जाती है तो T1 सबसे ज़्यादा होना चाहिए ये T1 है फिर T2 होना चाहिए और फिर T3 होना चाहिए तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अब हम लोग लास्ट में कुछ ऑसिलेशन के ग्राफ्स देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है और इसमें जो एक टाइम पीरियड है ये कोई पीरियडिक मोशन है और ये टाइम पीरियड मतलब अगर इसका टाइम पीरियड टी है तो इसका भी टाइम पीरियड टी होगा और इसके सेप से फर्क नहीं पड़ता मतलब अगर ऐसा भी दिया हुआ है तो ये अगर इतने ड्यूरेशन का टाइम पीरियड टी है तो इस ड्यूरेशन का भी टाइम पीरियड टी होगा तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे और ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का ये दोनों ग्राफ और फिर ये तीनों जो ग्राफ्स हैं ये एस एच एम के ग्राफ्स हैं तो एस एच एम के ग्राफ्स में अगर देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हुआ अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हुआ है तो फिर वेलोसिटी उसके उसका फेज़ डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री चेंज होगा तो वेलोसिटी यहाँ से शुरू होगी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का फेज चेंज होता है तो अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू हुआ है तो एक्सेलरेशन फिर उसका 180 डिग्री फ़ेज यहाँ से शुरू होगा ठीक है फिर एनर्जी और वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे हम लोग तो अगर काइनेटिक एनर्जी में देखेंगे हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी साइंस स्क्वायर का फंक्शन होता है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन होता है तो ये यहाँ से शुरू होगा और दोनों ग्राफ हमेशा पॉजिटिव एक्सेस में ही रहेंगे क्योंकि दोनों साइंस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फंक्शन है तो देखो काइनेटिक एनर्जी को मैंने ये रेड वाले ग्राफ से डिनोट किया है और पोटेंशियल एनर्जी को इस ग्रीन वाले ग्राफ से तो काइनेटिक एनर्जी साइन स्क्वायर का फंक्शन है और पोटेंशियल एनर्जी कॉस स्क्वायर का फंक्शन है बाकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम रहेगी फिर ये लास्ट ग्राफ है जो डैम्ड ऑसिलेटर का है ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और इसमें ऐसे डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 कम होता जाता है तो अब इस वीडियो में मैंने जितने भी एन सी ए आर टी इलेवेंथ के ग्राफ्स थे और जो एन सी आर टी में दिए हुए हैं वो सारे कवर कर दिए हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना बाकी थैंक यू